क्या आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज हैं? नहीं? अच्छा, तो क्या आप गैलेक्सी के बारे में जानते हैं और ये होते क्या हैं या हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में जब आप आसमान की ओर देखते हैं और सुकून महसूस करते हैं तो आपके दिमाग में अक्सर आसमान के चांद, तारे, सूरज और यूनिवर्स को लेके सवाल तो जरूर आते होंगे, क्योंकि मुझे भी बचपन में ऐसे सवाल काफी परेशान किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे ही बहुत सारे सवाल आते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आज हम गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स आपसे कहीं मिस ना हो जाएं, इसलिए हमारे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आपने सोलर सिस्टम के बारे में बचपन में स्कूल में पढ़ा तो जरूर होगा, जिसमें 8 ग्रह यानी प्लैनेट और एक सन होता है, जो अरबों तारों से भरे यूनिवर्स में मौजूद एक बहुत ही नन्हा सा तारा है। तो वहीं हमारी पृथ्वी इस विशाल अंतरिक्ष में सूक्ष्मतम बिंदु जैसा है, जिसमें हम और आप रहते हैं। हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारा सूर्य इसमें करोड़ों तारों में से एक है। यानी हमारा सूर्य अकेला तारा नहीं, बल्कि सूर्य जैसे करोड़ों तारे और सोलर सिस्टम इस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी से बहुत बड़ा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से भी बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है। और इसे और आसान तरीके से समझने के लिए मान लीजिए, हमारी पृथ्वी अगर गैलेक्सी है तो इसमें हमारा सूर्य एक छोटे से शहर जितना बड़ा होगा। ऐसे में आपको गैलेक्सी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम गैलेक्सी क्या है और ये यूनिवर्स में कैसे बैलेंस रहती है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो गैलेक्सीज होती क्या है? दोस्तों, गैलेक्सीज अनेक प्रकार के गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, मून्स, नेबुलास, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, डार्क मैटर, स्टार्स इत्यादि सोलर सिस्टम का कलेक्शन होता है। और ये गैलेक्सी में सभी ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और इस मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं और इसमें करीब 50 अरब प्लैनेट्स होने की पॉसिबिलिटी भी है। इतना जानने के बाद अब यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं ये सवाल भी आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे गैलेक्सी ही बस मौजूद है, लेकिन 18th सेंचुरी में फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने बताया कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे गैलेक्सी ही अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि इसके जैसे अनेक गैलेक्सीज ब्रह्मांड में मौजूद हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप 12 दिनों तक अंतरिक्ष के एक छोटे से हिस्से का ऑब्जर्वेशन करके 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सी की खोज कर चुका है। ये तस्वीर हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है, जिसमें यूनिवर्स के एक छोटी सी जगह पर हजारों गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं। तो सोचिए, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है। ये गैलेक्सीज अलग अलग शेप, साइज और कलर की होती हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि स्पेस में टोटल गैलेक्सीज इतनी ज्यादा हैं कि इनकी संख्या 100 बिलियन भी हो सकती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा। मिल्की वे गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी ही क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे नाम ग्रीक्स ने दिया, जिसका मतलब मिल्की सर्कल होता है, और उसके बाद रोमन्स ने इस गैलेक्सी को विया लैक्टिया दिया, जिसका मतलब रोड ऑफ मिल्क है। रोमन्स ने हमारी गैलेक्सी को रोड ऑफ मिल्क इसलिए कहा क्योंकि रात के समय अर्थ से देखने पर ये गैलेक्सी आसमान पर एक मिल्की पैच की तरह दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैलेक्सी मिल्की तरह व्हाइट और ब्राइट क्यों दिखाई देती है? तो इसका रीजन ये है कि हमारी गैलेक्सी में बिलियन स्टार हैं, यानी कि बहुत सारे सितारे, जिनकी लाइट मिल करके ऐसा नजारा बना देते हैं कि पृथ्वी से रात में देखने पर आसमान व्हाइट और ब्राइट दिखाई देती है। इसलिए इस गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी का व्यास
यानी डायमीटर लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और इसकी विड्थ करीब 10,000 प्रकाश वर्ष है और ये 90% डार्क मैटर और 10% चमकदार पदार्थ से बनी है। गैलेक्सीज के सेंटर में होता क्या है? ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल वो जगह होती है जहाँ फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ही स्ट्रांग होती है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर लाइट इस ब्लैक होल से एंटर करती है तो वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ब्लैक होल अपने ऊपर उड़ने वाले सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर एरिया में स्थित है और ब्लैक होल से करीब 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है और इसे इस ब्लैक होल की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं, यानी कि काफी लंबा टाइम लगता है। और हमारे सूर्य ने अब तक कुल 18 बार ही इस गैलेक्सी की परिक्रमा की है। गैलेक्सी कितने प्रकार की होती है? जैसा कि गैलेक्सी बहुत से शेप, साइज और कलर में पाई जाती है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें 3 बेसिक क्लासेस में डिवाइड करते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी, एप्टिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी में 3 विजिबल पार्ट्स होते हैं जिनका नाम डिस्क, बल्क और हालो है। डिस्क स्टार्स गैसेस और डस्ट से बनी होती है। सेंटर में स्थित बल्क में ओल्डर स्टार्स होते हैं और स्फेरिकल हालो में ओल्डेस्ट स्टार और मैसिव स्टार्स क्लस्टर पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी ही है। इस तरह की गैलेक्सीज में कर्व्ड आर्म्स होते हैं जिसकी वजह से ये गैलेक्सी गोल चक्री की तरह दिखाई देती है। एप्टिकल गैलेक्सी स्मूथ और राउंड शेप गैलेक्सीज होती है, क्योंकि इन गैलेक्सी मौजूद स्टार्स के ऑर्बिट हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इनमें थोड़ी गैस और डस्ट होती है और इनमें यंग स्टार्स मौजूद नहीं होते। इन गैलेक्सीज के चारों ओर स्टार्स, क्लस्टर्स और डार्क मैटर पाया जाता है। इरेगुलर गैलेक्सी वो गैलेक्सी होती है जो ना ही ओवल और ना ही स्पाइरल होती है। ऐसी गैलेक्सीज को इरेगुलर गैलेक्सी कहा जाता है। क्या गैलेक्सीज आपस में टकरा सकती हैं? कई बार ऐसा होता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और इनमें टकराव हो जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे क्लोज गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हमें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कम से कम 5 बिलियन ईयर्स तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर इंसान खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले तब तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि हमें इससे और मोटिवेशन मिलती रहे। और हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप भी इस ब्रह्मांड में बहुत खास हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।